नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS Digitals में। जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपके लिए हमेशा कोई नई जानकारी लेकर आते हैं और जो कि काफ़ी खास और आपके लिए यूज़फुल होती है। तो आज के वीडियो में भी एक खास जानकारी है आपके लिए, तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। ये जो पोर्टल है यहाँ पर देखिए अनुग्रह सहायता योजना, ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इसके नीचे में यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट पॉइंट है इसका, इसमें लिखा है लाभार्थियों एवं हित लाभ स्वीकृति आदेश की सूची। यदि आप स्वीकृति आदेश की सूची यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आपका स्वीकृति आदेश भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्वीकृति आदेश की सूची कैसे देखेंगे आप और उसमें अपना नाम देखकर आप अपना कैसे डाउनलोड करेंगे, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ज़िला पूछेगा, तो यहाँ आपको जिस ज़िले में आप रहते हैं उस ज़िले को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्थानीय निकाय, आपका जो भी स्थानीय निकाय है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर नगर निगम है। तो हमने मान लीजिए ये एक रैंडमली हम सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं, आप अपना जो भी रहेगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब रही बात योजना की, तो अभी जैसा कि हमने आपको सारी योजना बता दिया कि इसमें 5,000 मिलता है, इसमें आपको 2 लाख मिलता है, इसमें 4 लाख मिलता है, इसमें 2 लाख मिलता है, इसमें 1 लाख रुपए मिलता है। तो ये सहायता राशि का जो आप स्वीकृति आदेश डाउनलोड करना चाहते हैं वो तरीका हम आपको इसमें बता रहे हैं। तो आप इसके लिए, आपने जिसके लिए अप्लाई करा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपने दुर्घटना में मृत्यु के लिए किया है तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब देखिए जैसे आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देंगे, इसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको कि रिपोर्ट देखें। तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट देखें पर क्लिक कर देना है। कहाँ? इस रिपोर्ट देखें पर। जैसे ही आप रिपोर्ट देखें पर क्लिक करेंगे, अब देखिए अब आपके सामने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले क्रमांक, फिर स्वीकृति आदेश, स्वीकृतिकर्ता, आवेदन पंजीयन दिनांक, IP पता, जिला, स्थानीय निकाय, किस योजना के लिए अप्लाई हुआ था। तो यहाँ पर आपने योजना सिलेक्ट कर रखी है तो वही योजना खुलेगी, उसके अलावा नहीं खुलेगा। जब आप यहाँ बदल देंगे तो वो योजना का नाम यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद श्रमिक की ID, श्रमिक का नाम, जिस श्रमिक की मृत्यु हुई है उस मृत्यु वाले व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद सदस्य की जानकारी, इसके बाद पता, पता तो हालांकि रहता है कई बार नहीं रहता है। इसके बाद कुल स्वीकृति राशि यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो स्वीकृत की गई है राशि। उसके बाद डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया ये देख सकते हैं आप, हम स्क्रॉल डाउन करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है स्वीकृति आदेश डाला है, यहाँ से आप स्वीकृति आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके बाद यहाँ पोस्टमार्टम। तो हम आपको एक एक चीज़ डाउनलोड करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्वीकृति आदेश डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आपके सामने यहाँ पर स्वीकृति आदेश आ जाएगा, यहाँ पर आपको सारा चीज़ डिटेल दिखाई देगा, कब आपका ये आदेश हुआ है, कब का पूरा स्वीकृति आदेश की दिनांक से लेकर सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। ये तो हो गया स्वीकृति आदेश डाउनलोड करने का तरीका। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र, मान लीजिए आपके किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हुई है और आपने इस सहायता राशि के लिए, जो अनुग्रह सहायता राशि है उसके लिए अप्लाई किया 4 लाख के लिए, तो जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपने लगाया था लेकिन आपके से गुम गया है, तो आप यहाँ से उस मृत्यु प्रमाण पत्र को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये मृत्यु प्रमाण पत्र आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो इसे आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा आपको यहाँ पर देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, यदि मान लीजिए आप को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, गुम गई है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो यहाँ पर लगी हुई है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक ही पोर्टल पर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, कितनी राशि मिली ये भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आप जो भी अपना स्वीकृति आदेश है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका भी एकदम सिंपल है, जैसा कि हमने आपको बताया एकदम ईजी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब तो ये हो गया बात कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे, किस तरह से आपको देखना है ये सब चीज़ें, अभी इस पोर्टल पर आप कैसे आएंगे वो बता देते हैं। तो इस पोर्टल पर आने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पर आपको सर्च करना है संबल, SAMBAL। जैसे ही आप संबल लिखकर सर्च करेंगे तो देखिए आपके सामने संबल पोर्टल, जनकल्याण पोर्टल, श्रमिक सेवा पोर्टल, ये एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो देखिए आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पोर्टल की लिंक दिखाई देगी, आपको इनमें किसी में भी क्लिक नहीं करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले अंत्येष्टि सहायता योजना दिखाई देगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप तो अनुग्रह सहायता योजना, यहाँ पर देखिए आप
अनुग्रह सहायता योजना जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचवें नंबर पर आपको लाभार्थियों एवं हित लाभ स्वीकृति आदेश की सूची, ये ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से आप एकदम ईजी तरीके से आपका स्वीकृति आदेश डाउनलोड कर सकते हैं अनुग्रह सहायता राशि का। साथ ही यदि आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है, तो यदि आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ होता है और आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं योजना का, तो आप अपने नज़दीकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास संबल कार्ड है, श्रमिक हैं, यदि आप असंगठित पंजीकृत श्रमिक हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजीकृत लिखा हुआ है, तो आपको इसके लिए पंजीकृत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप श्रमिक हैं और आपके पास कार्ड नहीं है, आप पंजीकृत नहीं हो और आप जाके इस लाभ के लिए आवेदन करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि आप पंजीकृत हैं, आपके पास कार्ड है, तो आप बाकायदा इसका लाभ ले सकते हैं। हमें उम्मीद है हमारी बताई हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप अपना आदेश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर आपका मृत्यु सर्टिफिकेट जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें पुराने जो केसेस हैं उनके भी डॉक्यूमेंट डले हुए हैं, तो वो भी देख सकते हैं यदि उनको ज़रूरत है। तो वीडियो की जानकारी यदि अच्छी लगी होगी तो ज़रूर दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसमें जो उनके ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसी ही अच्छी सी नई जानकारी के साथ।